ओम शांति। 22/6/2022 के महावाक्य हैं जिनमें बाबा ने बच्चों को तलाशा है। किसकी तलाश की है बाबा ने? सर्विसेबल, आज्ञाकारी, वफादार बच्चे बाबा को चाहिए। उनको बाबा तलाश रहे हैं। उन बच्चों के ऊपर ही बाबा की नज़र रहती है। फिर बाबा ने कहा, इस मायावी दुनिया में बहुत दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी किसी भी प्रकार की आश नहीं रखनी है। साथ साथ बाबा वर्तमान समय खान पीन की परहेज बता रहे हैं, तो बच्चों को खान पीन की भी परहेज रखनी है। जितना हम परहेज रखेंगे, खाने पीने का कायदा रखेंगे, तो कायदे में ही फायदा है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं, तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। क्वेश्चन, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? आंसर है, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले, मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम वाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना ही वर्षे के हकदार बनते हैं। गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम रूप जरूर चाहिए, साकार हो या निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवता ही नमः कहते, विष्णु को भी देवता कहते, क्योंकि आकारी है तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है, एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देही पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा न सके। अमर लोक में कभी जन्म मरण में नहीं कहा जाता, वहाँ तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहाँ है, सत्युग में मरना शब्द भी नहीं होगा। शरीर रूपी वस्त्र बदल रहे हैं, ये नाम होगा। सत्युग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है, इसलिए वहाँ दुख का तो नाम निशान भी नहीं होता, तो ये नाम वहाँ नहीं होगा। वहाँ तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गए तो क्या पांडव को रंज हुआ होगा? कौरव खत्म हुए तो उनको रंज दुख हुआ होगा? नहीं, पांडव का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है, शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ हैं, बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप हैं, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता, वर्षा बच्चे लेते हैं, तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने हैं।
कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है ही नहीं। भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए किसका? शिव बाबा का। वह भी बाप, टीचर, सतगुरु है, तो इसमें चरित्र की तो बात है, चरित्र की बात क्या है? बाबा बाप भी है, टीचर सर, चरित्र की तो बात ही नहीं। कृष्ण के भी चरित्र नहीं, वह भी बच्चे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं, तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसी तो कुछ बात है ही नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है? वह तो तुम देखते हो कि पढ़ाकर पति से पावन बनाते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं, और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ, बस सबके अंदर नहीं हूँ, सर्वव्यापी नहीं हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे ना, भक्तों को याद नहीं करेंगे, बच्चों को याद करेंगे। फिर भी मुख्य बात एक है, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा करके दिखाओ, वो है बहादुर बच्चे। सारा मदार गीता पर है, गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, ना कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा भला वो मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? तो परमपिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता, सृष्टि का मालिक देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है। ब्राह्मण है बाप का घर, ब्रह्मांड परमधाम है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं, ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योति बिंदु वहाँ निवास करती हैं। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए, हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप, फाउंडेशन देवी देवताओं का कहीं व ब्राह्मणों का कहीं। ब्राह्मण बीज नॉलेज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं, सत्ययुगी दैवी सृष्टि का फाउंडेशन हम ब्राह्मणों के द्वारा शिव बाबा लगा रहे हैं। डिटीजम अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे, नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह ऊंच प्रारब्ध बना रहे हो, हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। प्रारब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता है, दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थी करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है, सो भी आसुरी मत है, ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है, बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते, देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, तो श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंच ते ऊंच बाप, टीचर, सतगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं, बलराम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय चंद्रवंशी। त्रेता के क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी हैं,
वो लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी। दो कला तो कम हुई ना, सो तो होना ही है जरूर। मनुष्य यह नहीं जानते कि सृष्टि की गिनती कला होती है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्री डिग्रेड हुई है ना, सब पतित हैं। पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने, फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता, न चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे। पिछाड़ी में सब कहेंगे ओहो प्रभु आपकी गत मत न्यारी। आपकी रचना को कोई नहीं जानते, सो तो अब तुम जान गए हो। ये ज्ञान बिल्कुल नया है। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होनी है, मूल बात तो यह सिद्ध करनी है। कौन सी? कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वर्षा बांप देंगे श्री कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे, वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा तो गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं। खुशियाँ मनाते हैं ना, मालामाल बन जाते हैं तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। 2500 वर्ष तक हमारी गोल्डन जुबली चलेगी, कितनी बड़ी बेहद खुशी की बात है। ऐसे नहीं सिर्फ बाहर से बत्तियाँ आदि जलाते हैं, स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान बहुत सुखी हो जाते हैं। तन से मन से धन से जन से सब प्रकार से वहाँ सुखी रहते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो, तो मुख्य बात यह समझने की है गीता का भगवान कौन? शिव है। उसने ही राजयोग सिखाया था, सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब हैं जब राजा ही है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते। तुम बच्चे उनकी श्रीमत पर चलने से सुख धाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित-बित करती रहती है एक बच्चा पैदा कर दें। माया की टेम्पिटेशन होती है, शादी कर एक बच्चे को सुख, एक बच्चे का सुख ले ले में। अरे भगवान को बच्चा बना लो, आजकल के बच्चे सुख कहाँ देंगे। अभी सोना वृद्ध आश्रम में अपनी माँ को डाल आया, शरीर छोड़ दिया, बच्चे का फ़ोन नंबर तक भी नहीं था, पता ही नहीं पड़ा, किसी दूसरे तीसरे ने जाके बताया। तो ये इच्छाएँ रखते हैं, आशाएँ रखते हैं, बच्चा हो तो सुख ले ले में। आजकल के बच्चे कहाँ सुख देते हैं। अरे गारंटी थोड़ी है बच्चा सुख ही देगा, 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए ये भी नहीं कह सकते हैं, शरीर छोड़ दे तो फिर कैसे आप सुख ले सकते हैं, तो और ही दुख ही हो पड़ेंगे। आज शादमाना करते हैं, कल सीता पर चढ़ेंगे तो रोना पीटना पड़ता है। यह है ही दुख धाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान में लाएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में लज्जा आएगी, सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है, तो स्वर्ग का वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना सजा खाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं, तो भी बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं हैं, वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं, बाप समझाते हैं
कि ऐसा कोई काम ना करो, कैसा, जो बाप का नाम बदनाम हो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और फिर विकार में जाना, ये तो अपनी सत्यानाश करना है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो, विकार बिगड़ रह नहीं सकते, तो यहाँ नहीं आओ, बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाते हैं। तुम्हारे बीच में कोई बगला व अशुद्ध खाने वाला बैठा है तो कितना खराब लगे। बाप कहते हैं ऐसे को ले आने वाले पर भी दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे सत्संग बहुत हैं, जाकर वहाँ भक्ति करें। हाँ, भक्ति के लिए कोई मना थोड़ी है, भक्ति के लिए तो कोई मना नहीं करते। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। तो बाप कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस, और खान पान की परहेज की युक्तियाँ भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियाँ भी रख सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से मना है, डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। अच्छा, आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं, अपना बचाव करने के लिए ये ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते, ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा हैं। जो चार निशानियां बाबा ने मुख्य रूप से बताई, उन बच्चों की जिनकी बाबा को तलाश है, जो बिल्कुल मीठे हों, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल भी हों, वफादार भी हों और फरमान बरदार भी हों, दैट्स ऑल। तो बाबा ने मुरली समाप्त की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, कोई भी बात सब में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट, खान पान की बहुत परहेज रखनी है, पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। खाने पीने के लिए लोग बोले, वो बाबा ने बताया, बोल दो हमारी तबीयत ठीक नहीं है या डॉक्टर ने मना किया है, तो युक्ति रचनी पड़ती है परहेज रखने की। वरदान, बुराई में भी बुराई को ना देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बुराई में भी बुराई को ना देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है, धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस पर धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा, जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि, पवित्र बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, विशाल बुद्धि, दूरंदेशी बुद्धि चाहिए। किस लिए? अच्छाई उठाने के लिए। बुराई को ना देख अच्छाई उठा लो तो नंबर वन बन जाएंगे। स्लोगन, सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर दो। बुराई देखेंगे माइंड अपसेट होगा, तो इसलिए बुराई में भी अच्छाई को देखो तो सदा खुश रहेंगे, अर्थात प्रसन्नचित रहेंगे। आज की अमृत वेले की पॉइंट है, मांगना, शिकायत करना, उल्हाना देना, वकालत करना छोड़ दो। अमृत वेला पावरफुल बनाना है तो चार बातें छोड़ दो। वो चार बातें हैं मांगना, शिकायत करना, उल्हाना देना और वकालत करना। अमृत वेले की रूह रिहान बहुत रमणीक होती है, उस समय विशेष दो रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते और दूसरे उल्हानों की तृप्ति हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये चारों बातें छोड़ दो, लेकिन अब बाबा से क्लियर बुद्धि रख करके रमणीक रूप से बाबा से रूह ध्यान करते रहो, अधिकार से करो। ओम शांति।